सपा सांसद की मीडिया पर आपत्तिजनक बयानबाजी। मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने आज देश की नेशनल मीडिया पर आपत्तिजनक बयान देते हुए बाढ़ मीडिया तक कहा है। दरअसल आज सपा सांसद ने एक स्थानीय मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पिछले एक महीने से नेशनल मीडिया पर छाए सुशांत राजपूत केस पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। वो यही नहीं रुके, बोले कि सुशांत नाम की माला जप रहे हैं। सपा सांसद ने कहा कि ऐसे चैनलों पर अंकुश लगाना चाहिए जो एक राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं। वहीं एनसीईआरटी की फर्जी किताबों के मामले में मेरठ और अमरोहा जनपद में पिछले दो दिनों से चल रही एसटीएफ की छापेमारी में भाजपा नेता के भतीजे का नाम आने पर सपा सांसद ने कहा कि ये तो व्हाइट कॉलर लोग हैं जिनके नाम अभी तक नहीं आए थे, अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। अब खोजी पत्रकारिता फिर से शुरू हो जाए तो सामने आ जाएगा। तो बड़ी बड़ी आफतें टल जाती हैं, मेरा तो ये ईमान है, इसलिए इनको फौरन खोला जाए और यहाँ पे दुआएं भी कराई जाए। और भाई ये तो वो वाइट कॉलर लोग हैं जिनके नाम अभी तक आए नहीं थे, आहिस्ता खुल रहे हैं। और बड़ी बदनसीबी है, माफ़ करना आप लोग, के खोजी पत्रकारिता अभी ख़त्म हो गई। अगर आप लोग खोजी शुरू कर दें तो शायद इन लोगों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिले। ऐसे बहुत से कारण हैं। देखिए, इस वक्त देश की राजनीति सबसे निम्न स्तर के ऊपर है। अभी आपने देखा कोरोना हुआ था, उसमें भी हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की थी, याद होगा आपको, बीमारी भी हिंदू मुस्लिम हो गई थी। अब कुछ नहीं मिला तो कैसे दूसरों को बदनाम किया जाए। सुशांत एक माला जप रहा है और वो भांड चैनल जो ढोल बजाते रहते हैं उनको एक ही काम है। तो मैं तो समझता हूँ कि ऐसे चैनलों के ऊपर भी अंकुश लगना चाहिए जो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा पहुंचाने के लिए सारे प्रोग्राम करते हैं। देखिए, सोशल मीडिया के जरिए पूरी कोशिश की जा रही है कि हमारे देश में सांप्रदायिकता अपनी चरम सीमाओं पर पहुंच जाए, हम एक दूसरे को बर्दाश्त ना करें। हालांकि ये होने वाला नहीं है, लेकिन जब ऐसी बातें सोशल मीडिया पर आती हैं तो लोग भड़क जाते हैं। भड़कने के बाद कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है, ये एक नेचुरल सी बात है, स्वाभाविक बात है। अगर उसमें कोई कॉन्स्पिरेसी है किसी की या किसी ने कोई षड्यंत्र रचा है, वो कानून का काम है उसे देखे और उसी के हिसाब से उसको सजा। देखिए, इनको तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं ये जानता हूँ, एक एस्केप कोड बनाते हैं, किसी को जिम्मेदार कर दो ताकि अपना फेस सेविंग हो जाए, अपना चेहरा तो छुप जाए। जितना सीए का विरोध हुआ, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी में करोड़ों लोगों ने विरोध किया, क्या सब जगह PFIM मुरादाबाद में है क्या, यहाँ क्यों हुआ? तो उसकी जांच हो, उसकी पूरी इंक्वायरी हो, देखें उसमें आखिर क्या वजह है, तो कौन कर जाए और कहां कहां सरकार गलती कर रही है, वो भी तो देखें। क्या जिम्मेदार सरकार नहीं है सब चीज़ों की? क्यों खुली छूट दी जा रही है तमाम सांप्रदायिक बातें करने के लिए? देखिए, अगर ऐसा होता है तो इंसाफ के साथ जो बाकी दंगा कर रहे हैं, जिन्होंने नुकसान पहुंचाया है, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, किसी भी कास्ट क्रीड के हों, सबके साथ एक सा सलूक होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है।